प्रेस में आपका स्वागत है। आज हजरत मोइन मियाँ ने शुक्ला जी स्ट्रीट के सोनापुर मैदान में एक नशे के ताल्लुक से एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें हमारे एडिशनल सीपी और भाई जगताप और अमीन पटेल साहब और उमर लकड़ावाला, उन लोगों ने काफ़ी शिरकत की और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस रहा। देखिए वीडियो में। छोटी छोटी बात तो खरी, नशे का सहारा लेने वाले लोगों में ना मर्दों वाली नहीं ना मर्दों वाली बात होती है। मेरे तेरे को काली पूछ इसमें आपका स्वागत है। हम करेंगे हजरत मोइन मियाँ से बात। हजरत, जैसे आपने ये प्रोग्राम रखा है, लगता है आपको इसमें हमारे देश के नौजवान, हमारे देश का मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, उनके अंदर नशे के ख़िलाफ़ अवेयरनेस, बेदारी पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया था। और हमको यकीन है इंशाअल्लाह कि लोगों के ताउन से, पुलिस के ताउन से और तमामी जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनके ताउन से इंशाअल्लाह नशे के ख़िलाफ़ इस मुहिम में हम सबको कामयाबी, कामरानी हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो आपको क्या लगता है, मतलब इसमें कुछ गिरावट आएगी, जैसे कि अभी अच्छी एक प्रोग्राम हुआ है? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, कदम के साथ कदम चलते हुए, हाथों में हाथ लेके हुए, अगर हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो जिस मकसद से इस प्रोग्राम की शुरुआत की है उस मकसद को पाने में हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की जो इंटेंशन रहती है वो इंटेंशन मायने रखती है, और हजरत ने जिस इंटेंशन से इस प्रोग्राम की पहल की है, हम उनके साथ कदम के साथ उनके कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे। और वो अकेले चले थे, आज कारवा बनता हुआ हमें दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। जैसे कि आप हमेशा इस तरह के प्रोग्राम रखते रहते हैं, मैंने कई जगह आपको देखा, तो ये जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये जो ड्रग्स के खिलाफ की जो मुहिम है, हमारे जो हजरत है जिसको हम लोग बहुत अदब से, बहुत प्यार से, जो हमारे रहनुमा है, हमारे रहबर है जिसको हम मोइन मियाँ कहते हैं, उन्होंने 2011 में जब इस इलाके के अंदर और ख़ास करके मस्जिदों के बाहर और स्कूलों के बाहर ड्रग्स बिकना शुरू हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने मुहिम को चलाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, जो मदरसे में बैठे उसके आसपास का इलाका पूरा ड्रग्स से साफ़ हो चुका है, यहाँ कोई ड्रग पेडलर नहीं है। यहाँ के जो बच्चे ड्रग्स के अंदर मुलव्वज़ हो गए थे
जो ड्रग लेते थे उनको इन्होंने बहुत लोगों को रिहेब सेंटर भिजवाए, आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि इसी मदरसे में हजरत के पास एक खातून आके रो रही थी कि उसकी बच्ची ड्रग्स के अंदर जो है गिरफ्तार हो गई थी, उसको बाहर निकाला गया। हजरत ने रिहेब का बहुत बड़ा काम किया और ड्रग्स को ख़त्म करने का बहुत बड़ा काम किया है। अब पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर इस ड्रग को खात्मे के लिए जो हजरत मोइन मियां ने कदम बढ़ाया है, और आपने देखा कि आज जो है हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर रविंद्र शिशु यहाँ पर आए और इन्होंने जो बात बताई कि पुलिस अपना काम कर रही है और काम करेगी, मगर जो सोसाइटीज़ है, जो एनजीओज़ है और जो सिविल लोग हैं वो साथ में आना चाहिए और इस ड्रग का जो खात्मा करना चाहिए। पब्लिक का कैसा इसमें सपोर्ट मिल रहा है? हज़ारों की तादाद में आज यहाँ लोग मौजूद थे, संडे का दिन, दोपहर का टाइम, और हज़ारों की तादाद में इस ग्राउंड में लोग मौजूद थे। जो लोग जो संडे को घर से बाहर नहीं निकलते, अपनी फैमिली का टाइम बिताना चाहते, वैसे लोग यहाँ के मौजूद थे। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है और हमको पूरा यकीन है कि जो ड्रामा जो यहाँ पर हुआ, दो प्ले हुए, एक शराब के खिलाफ और एक ड्रग्स के खिलाफ, वो देखने के बाद नौजवान जो यहाँ से इबरत लेके जाएंगे और जो लोग ड्रग्स के अंदर है उनको बाहर निकालने का काम यहाँ से और ज़ोर से शुरू रहेगा। आपने जो कदम उठाया, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। आपने प्रोग्राम किया है, इसमें आपको क्या लगता है, मतलब पब्लिक का समर्थन, पब्लिक का सपोर्ट कैसा मिला है, ये आगे जाके कुछ कामयाब होगा? ये कामयाब हो चुका है। 2011 से हजरत मोइन मियां ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसका असर दिखाई दे रहा है। जिस जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा था वो एक ज़माने में ड्रगिस्ट का अड्डा था, आज आप देख रहे हैं वहाँ ईदगाह मैदान हो गया है और उसी मैदान में हज़ारों लोग बैठ के इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कामयाबी का एक कामयाबी की निशानी है, कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है। और इस वक्त हर इंसान को लगता है कि अगर किसी का बच्चा, किसी की बच्ची ड्रग में अगर ये है तो लगता है कि भाई वो उसको छुड़ाए, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। अगर ऐसे सपोर्ट मिले और जिस ढंग से खास करके जिन बच्चों ने वो स्टेज पे परफॉर्म किया वो इतना बेहतरीन था और समझने के लिए आसान होता है, कभी कभी अपनी बातें जो है लोगों तक पहुंचती है, पर इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो छूते हैं, दिल को छूते हैं, तो ये कामयाबी का एक उदाहरण है। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सारे जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए इस सारे पूरे जी इसमें, क्योंकि जब तक मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और हमें यकीन है आप भी इस मुहिम में जुड़े रहोगे। जी हम भी तो जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए जी, शुक्रिया।